इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें कि बीपीएससी से जुड़ा हुआ यह मामला है, जहां बीपीएससी टीआरई 1.0 के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए अभ्यर्थी मांग करते आए हैं और अभी भी गर्दनी बाग धरना स्थल पर वो लोग धरना भी दिए थे अपनी मांगों को लेकर। जिस तरीके से बीपीएससी टीआरई 1 की सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर हो हंगामा चल रहा था, बीपीएससी शिक्षा विभाग ने इस पर बैठक भी की थी, तमाम कवायदों को किया गया था, अभ्यर्थी इंतजार में थे कि आखिर कब बीपीएससी टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा, जिस पर संशय बरकरार था। अब इसी मामले में एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। जी हाँ, बिल्कुल, अभ्यर्थियों के लिए लगातार न्यूज़पेपर खबरें दिखा रही थी, मांग कर रही थी कि आखिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट में लेट क्यों हो रही है, जल्द से जल्द आयोग को निकालना चाहिए। तो इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, जो आपको बता दें कि आज किसी भी समय सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, जो खबर आपको हम बता रहे हैं वो सूत्रों के हवाले से निकल कर खबर आई है कि आयोग कभी भी आज किसी भी समय बीपीएससी टीआरई 1.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर सकती है। देखिए, जिस तरीके से शिक्षा विभाग और बीपीएससी की बैठक हुई थी, बैठक में डिसीजन लिया गया था 7 दिसंबर से दूसरे चरण का एग्ज़ाम है, टीआर 2.0 के लिए जो एग्जामिनेशन थे वो 7 दिसंबर से शुरू कर दी जाएगी, जिसको लेकर उससे पहले ही निर्देश दिया गया कि 7 दिसंबर से पहले बीपीएससी टीआरई 1.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। देखिए, यानी बड़ी खबर निकल कर सामने आई है कि 7 तारीख से पहले बीपीएससी टीआरई 1.0 का रिजल्ट यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो था वो जारी कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा जो पदे खाली रह गई थी उस पदों पर अब भर्ती प्रक्रिया भी शुरू होगी, 7 दिसंबर से उसकी परीक्षा है। लेकिन जो बैठक हुई थी, बैठक में जो खबरें निकल कर सामने आई थी, जो सूत्र बता रहे हैं कि आज किसी भी समय बीपीएससी टीआरई 1.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकल सकता है।